यहाँ पे हमारे साथ जिग्नेश मेवानी हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है पर सैद्धांतिक रूप से विचारधारक के लिए मद्देनजर वो पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिग्नेश भाई देखिए, कांग्रेस एक तरफ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो हमारे भाई चन्नी सिंह को, चरणजीत सिंह को पंजाब का CM बनाती है, दूसरी तरफ वो भाजपा है जिसके चलते रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ता है। तब तो कहाँ होना चाहिए, इसलिए हम INC के साथ। INC वो पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पार्टी जिसके पास स्वतंत्रता के आंदोलन की धरोहर वो विरासत है, उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ कर दिखाया है। और राहुल जी के ऊपर हमको पर्सनली बहुत यकीन है, भरोसा है, वो एकदम जिनको बोले हार्ट एट द राइट प्लेस। जिग्नेश भाई, कितने नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भविष्य नहीं दिख रहा है कांग्रेस में, आपको कैसे भविष्य नहीं लग रहा है? वो उनके व्यक्तिगत चॉइस है। हार्दिक पटेल जुड़े, जिग्नेश मेवाणी अभी उनके साथ है संघर्ष में, लड़ाई में, कन्हैया कुमार आज जुड़े, और भी हजारों लाखों लोग जुड़ेंगे। और आज पूरे गुजरात के कम से कम 32 जिलों से युवा मेरे साथ आया, कोई राजस्थान से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई केरला से आया। गुजरात में आपके पास प्रभारी नहीं है, गुजरात में आपकी पार्टी का मोराल डाउन है, कांग्रेस का आपको डाउन है? पिछली बार तो केवल 8-10 सीटों का फैसला था, अब तो वो भी नहीं रहेगा। देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, वी आर चैलेंज्ड, वी विल फाइट इट आउट। जो नेता छोड़ के गए उनने कहा मानसिक दिवालियापन है, कांग्रेस आगे नहीं देख रही, कुछ कर नहीं रही है, वो ICU में है, तो वो उनका व्यक्तिगत मानना है। हमारा मानना है कि हम लोग भाजपा के खिलाफ एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करेंगे और उनको मजा चखाएंगे, हजारों लाखों युवा जुड़ेगा, उसमें हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। आपकी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी गुजरात में? डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आपने चरणजीत सिंह चन्नी का जिक्र किया, नवजोत सिंह सिद्धू जो बाहर से आए थे, एक धारणा है कि जो बाहर से नेता आते हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिल रही है, अब उनने इस्तीफा दे दिया प्रदेश अध्यक्ष से। अरे सुनिए, जिनको जाना है उनको हम तो रोक नहीं पाएंगे, किनको आना है उनको लाएंगे जरूर, ये हम कर सकते हैं वो करेंगे। भाजपा इसको भुना रही है, पोस्टर पटे हुए हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का स्वागत किया है कांग्रेस। अरे यार उनको करने दीजिए ना, भाजपा को हमारे चलते कुछ होमवर्क मिला तो अच्छी बात है, करते रहिए होमवर्क। तो यहाँ पे जिग्नेश मेवाणी आज तक से कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का वो काम करेंगे और गुजरात में कांग्रेस की सरकार आएगी, जिसको छोड़ के जाना है जाए, उनको कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस में ही देश का भविष्य नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।